मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। अब्दू है बना कैप्टन बिग बॉस की नगरी वे। वेलकम बैक गाइस टू बिग बॉस रिव्यू एंड यू आर वॉचिंग गो गजल गॉन। और आज का रिव्यू में दो धमाकेदार चीज़ें होने वाली हैं। पहला है कैप्टेंसी टास्क और दूसरा हम बात करने वाले हैं हमारे वीकेंड के वॉर के बारे में। क्या सलमान खान की होस्टिंग, मज़ा आ जाता है भाई। एक एक मुद्दे ऐसे कुरेद कुरेद के सलमान खान जी निकालते हैं कि एकदम मज़े मज़े, बहुत मज़े। अच्छा चलो शुरू करते हैं फटाफट से, बिकॉज मुझे भी ऑफिस जाना है जल्दी जल्दी तैयार होके। तो मैं थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा मेकअप वेकअप लगा लिया मैंने आज। अब शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो कैप्टेंसी टास्क हुआ और अब्दू बने हैं हमारे घर के नए कैप्टन। तो टास्क था वो पीपीपी बजाना था हमें, क्या बोलते हैं उसको, पैक पाइपर्स। और ऐसा जो प्रीवियस कैप्टन्स रह चुके हैं जो कि थे हमारे गौतम, निमृत, अर्चना एंड शिव, इनको दो दो कंटेस्टेंट्स बेसिकली आउट करके पूल में डुबाने थे। और लास्ट में आते हैं हमारे शिव ठाकरे, जिसमें वो आउट करते हैं एमसी स्टैन को और अब्दू को बनाते हैं, और सुम्बुल को, एंड अब्दू बन जाते हैं हमारे घर के नए कैप्टन। इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस पहली बार देखा है कि कोई ऐसा कैप्टन बना जिसके बाद पूरा घर झूम रहा था। छोटा भाई जान आया, छोटा भाई जान सबके दिल पे छाया। सब उसको वेलकम करते हुए अंदर ले जाते हैं कैप्टन रूम में, और अब्दू इज ऑल्सो डांसिंग ऑन द बेड। तो काफी खुशी हंसी का माहौल था एंड आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड कैप्टन, and he is going to be one of the most fair captain in Big Boss. तो let's see इनकी captaincy कैसे जाती है, क्योंकि अभी तो बने हैं और उसके बाद सीधा आ गया था weekend का वार के बारे में। तो जो हमें episode Friday को दिखाया गया उसमें clear cut हमें कुछ मुद्दे उतने ज़्यादा highlight नहीं हुए, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा भसड़ और कांड हो रहे थे कि उनके पास ज़्यादा content बचा नहीं। तो पहले तो बात कर लेते हैं अर्चना के मुद्दे के बारे में। भैया अर्चना, आपका सूटकेस कौन लेकर जाएगा यार, क्या हो गया है? मतलब एक प्रॉपर टीम इन्वॉल्व होती है बिग बॉस में। देखो जैसे कोई भी ऑफिस होता है ना, उसमें रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे एचआर हो गया, चाहे मार्केटिंग हो गया, चाहे एडमिन्स हो गए। सिमिलरली जो भी बिग बॉस इतना बड़ा अगर शो है तो देयर वुड बी सर्टेन सिलेक्टिव नंबर ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफ यू हैव स्टाइलिस्ट एंड कॉन्टैक्टिंग योर स्टाइलिस्ट, गेटिंग योर थिंग्स डन। क्योंकि सब को हमेशा कपड़े मिल जाते हैं जैसा भी होता है, इतने सीजन्स हो चुके हैं। तो अर्चना दिखाई देती हैं वीकेंड के वार पे, सब लोग तैयार हो रहे हैं, सब लोग आइनिंग वगैरह कर रहे हैं, और ये रोने लगती हैं और कहती हैं कि हमारा सूटकेस नहीं आया है, सिलवट्टे वाला तो आ गया है लेकिन जो तीन और लगेज थे वो नहीं आए हैं, तो वो कहाँ गए बीच में से। तो इनको सारे कंटेस्टेंट्स बताते हैं कि देयर इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इट, और अगर आपका आया हुआ था सूटकेस तो बिग बॉस उसको ज़रूर भिजवाते, वो क्यों नहीं भिजवाएंगे, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि कोई भी ग्लैमरस लगे उनके वीकेंड का वार में। तो आउट ऑफ रिबेल इनडायरेक्टली अर्चना पॉइंट आउट करते हुए ये दिखती हैं कि वो क्रू, मतलब बिग बॉस का जो क्रू है वो उसको ब्लेम कर रही हैं कि मतलब शायद बीच में से गायब हो गया, अगर नहीं भी भिजवाना है तो मुझे ये बता दो कि वो मम्मी को पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। मेरे को हंसी भी आ रही थी, बट शी वॉज एक्टिंग वेरी स्ट्यूपिड एट दैट मोमेंट। और ये सबसे पहला मुद्दा उठता है बिग बॉस के वीकेंड का वार पे, जो सलमान खान आके अर्चना से बात करते हैं और अर्चना को क्लियर कट बोलते हैं तुम्हारे कपड़ों में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जो हमारे क्रू यहाँ पे काम करते हैं वो क्लियर कट अपना काम करते हैं, तो अगर आपका बैग होता तो आपको भिजवा दिया जाता, अगर आपको नहीं भिजवाया तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते कि वो आपके तीन बैग कहाँ गए, आपकी मम्मी को भिजवा दिए गए कि नहीं, क्योंकि वो बाहर की इन्फॉर्मेशन है, तो वो आप बाहर आके देखोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक तरीके से एलिगेशन लगा रही थी अर्चना गौतम कि ऐसा ऐसा हो गया है उनके कपड़ों के साथ, वो सलमान खान क्लियर कट करते हैं, भैया उसमें बिग बॉस का कोई लेना देना नहीं है, बिग बॉस की आँख पहनेगी क्या वो कपड़ा। तो काफ़ी ऐसा सरकाज़म मारते हुए दिखते हैं, बट आई थिंक इट वॉज़ अ फेयर डील, क्योंकि भैया तुमको नॉन ग्लैमरस दिखा के और तुमको ऐसा अगली दिखा करके उनको क्या मिलेगा। भैया टीवी इंडस्ट्री है, सब कुछ ग्लैमर पे चलता है, जिसका नाम है वही बिकता है, ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है वाला सीन है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें बिग बॉस का कोई भी बेनिफिट होने वाला है, आखिर और भी फीमेल कंटेस्टेंट्स हैं जिनको सारे कपड़े एक्सेसरी सब कुछ मिल रही है ना, तो आई थिंक आपको बाहर थोड़ा बहुत जुगाड़ कर आना चाहिए। अभी आगे देखने को मिलेगा कि इनके कपड़ों के साथ क्या होता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक में थोड़ा बहुत कुछ पता चलेगा हमें इस बारे में। तो
सलमान खान ये काफी कुछ अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए दिखते हैं। ठीक है, फिर उठता है वीगन और चिकन का मामला। भैया ये 150 ग्राम चिकन तुम्हारी जान ले लेगा बिग बॉस 16 में। मुझे सबसे हंसी आती है जब सलमान खान कहते हैं कि हर चिकन शॉप के आगे ना तुम्हारी फोटो लग जाएगी और लिख जाएगा शालीन चिकन सेंटर। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू डू योर मार्केटिंग फूड ब्लॉगर्स इफ यू वॉचिंग इट। भाई कोई ऐसा शालीन चिकन सेंटर वेंटर पर जाकर वीडियो बनाओ, थोड़ा बिग बॉस 16 को टैग करो, मजा भी आए। क्योंकि ऐसे सेगमेंट्स आते रहते हैं ना वीकेंड में जहाँ पे वो दिखाते रहते कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो ऐसे शालीन चिकन सेंटर या शालीन चिकन बूचर टाइप्स कुछ ऐसे बनाओ, मज़ा आएगा। तो ये बात हाईलाइट करते हुए दिखते हैं और शालीन को क्लियर कट बोल दिया जाता है, भैया तुम बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो अभी, नाउ इट्स गेटिंग टू आवर नर्व्स। और अभी तुम्हें पहले तो चिकन पहले के सीजन, एक्चुअली दिस इज ट्रू बाय द वे, यहाँ पहले के सीजन में चिकन मटन फिश ये सब ना लग्जरी बजट जीत कर मिलता था, अब तो बिग बॉस जीत का फुलूस हवे में, फुलूस कम तो दुबई। ठीक है, तो उनको पैसे मिल रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन अच्छा हो गया है तो उनको सारी चीज़ें राशन वाशन काफ़ी हेल्दी मिलता है। बट फिर भी शालीन का एक बार एक्विजिशन लगाते हुए दिखते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे को चिकन नहीं मिल रहा, मेरी डाइटरी रिक्वायरमेंट है, तो कहीं ना कहीं सलमान खान इस पर फुल स्टॉप लगाते हुए दिख रहे हैं और बोलते हैं कि भैया ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है तुमको ये सब मिलेगा नहीं, अब तुम्हारी हो गई है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग, अब बंद करो। तो शालीन करते हुए घर वालों के सामने उसकी चक्कर चक्कर चलती है और सलमान खान के सामने तो वो एक चीज़ नहीं बोल पाया। ठीक है, तो उसको वो चीज़ सस्पेंड हो जाती है। फिर सौंदर्या से पूछते हैं, ये बात बताओ ये जो तुम वीगन बनी हो, ये ऐसे फैशन चल रहा है सबका वीगन बनने का, इसलिए बनी हो कि मतलब तुम्हारा कोई ऐसा डाइटरी रिक्वायरमेंट है, कोई मेडिकल रीज़न है? तो सौंदर्या कहती नहीं नहीं मैं पहले से वेजिटेरियन थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा ब्रूटल वीडियो देख लिया था। वाह सौंदर्या वाह, ऐसे ड्रामा करके इतनी हंसी आती है मुझे ना, ये इतना मतलब इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग एंड फनी लगता है। भैया बिग बॉस अगर कोई होस्ट कर सकता है तो वह सलमान कहानी है। ठीक है, इतनी हंसी आई मेरे को। फिर उसके बाद उनकी चीज़ हो जाती है, तो बेसिकली सौंदर्या तो बहुत बड़ा पंगा नहीं कर रही हैं, बट फिर भी एक बार उनको क्लैरिटी चेक मिल जाता है कि भैया वीगन हो, आधे शोज वाले तो तुम्हें ऐसे निकाल देंगे, कौन इतना महंगा टोफू और ये वो लाकर देता रहेगा तुमको, तो दैट इज़ बीइंग क्लियर्ड आउट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे खाने पीने का मुद्दा। क्या अब्दू को कैप्टनसी के लिए मुबारकबाद मिलती है और बिग बॉस ऐसे साउंड करते हैं, अब्दू मुबारक हो आपकी नई कैप्टनसी। मैंने कहा बिग बॉस हाहा कर देगा क्या? इतने एक्साइटेड थे बिग बॉस अब्दू को कंग्रेचुलेट करने के लिए। अब्दू बिग बॉस आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, तो हंसी आया मेरे को। बट एनी वेज दैट्स, उनको मुबारकबाद सलमान खान भी देते हुए दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कल का सनसनी एपिसोड वीकेंड का, वार में जो गौतम और सौंदर्य वैसे चलाए गए हैं माचिस दर माचिस। मतलब यार कुछ लोग आते हैं बिग बॉस में नाम कमाने और कुछ आते हैं सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने। मुझे तो ऐसा लग रहा है गौतम विज और सौंदर्य शर्मा तो सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने आए हैं यार, और बिग बॉस में इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये तीनों लोग नॉमिनेटेड रहते हैं। बाय द वे मैंने अपने पिछले रिव्यू में कहा था कि वोटिंग लाइंस बंद है तो घर वालों पे डाला जाएगा कि आप किसको बचाना चाहते हो, और वही कुछ हुआ है जिसपे हम आकर अभी बात करेंगे। ठीक है, लड़की अच्छा कर रही है, दिमाग लगा रही है लड़की, यार जाने का मन करता है कभी कभी बिग बॉस में, थोड़ा सा रियलिस्टिक ड्रीम। सब्सक्राइब करोगे तो मैं कभी कहीं जा सकती हूँ ना यार, सब्सक्राइब करो। तुम लोग लाइक तो करते नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो और सारे वीडियोस देखते हैं। 89% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कर दो यार, पैसा थोड़ी लगता है यार, कर दो ना यार, मैं पेटीएम कर दूंगी अगर पैसा लगे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुद्दे से भटक जाती हूँ, सुनो। तो फिर क्या होता है कि ये इन लोगों को एक रूम में बुलाया जाता है, सलमान खान जहाँ पे बैठे होते हैं। तो सौंदर्य, अर्चना और सुम्बुल नॉमिनेटेड थी। ऑनेस्टली आई वॉज रियली विलिंग कि ये सुम्बुल तौकीर खान चली जाए, ये पागल है यार, ये कुछ नहीं करती। मतलब साजिद खान के बचाने के बाद भी ये जाके शालीन को चिपक रही थी, तो तुम साजिद को हक करो ना, तो तुम साजिद खान ने तुम्हें बचाया तो तुम शालीन को क्यों चिपकती? भैया लड़की हमारे हाथ से बाहर है, समझ से बाहर है। एनीवेज ठीक है, तो सलमान खान इन लोगों को बिठाते हैं और अर्चना को दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पे आपके बारे में क्या चल रहा है, कि आपके पास मुद्दे ख़त्म हो गए, आपके पास ये ख़त्म हो गया है, तो बेसिकली अब आपका कोई दोस्त नहीं है बीबी में, तो यू शुड बी आउट, ऐसा वैसा ट्रेंड चल रहा है वो दिखाते हैं। सौंदर्य के बारे में क्या दिखाते हैं,
बेसिकली सौंदर्या स्टूड बाई गौतम एट ऑल टाइम्स, और इसमें कोई डिनायल नहीं है भाई। अगर ये गेम के लिए भी था तो भाई इसमें कोई डिनायल नहीं है। वो लड़की रज के उस लड़के के साथ खड़ी रही है, और जो 4 दिन की मोहलत गौतम विज ने मांगी थी टू प्रूव हिज रिलेशनशिप विद सौंदर्या, उसमें सौंदर्या को पहले तो बाथरूम वाली क्लैरिटी दिखाते हैं कि बाथरूम में जाते हैं और कुछ अजीब व गरीब सी, सॉरी सॉरी बच्चे भी देखते ही हैं, ऐसी अजीब व गरीब सी आवाज़ आती है। तो बेसिकली इट वॉज अ क्वाइट एन इंटीमेट मूनिंग काइंड ऑफ साउंड विच कम्स फ्रॉम द बाथरूम। तो बेसिकली सलमान खान ये बताने की कोशिश कर रहे थे सौंदर्या को कि आप मेकर्स और क्रिएटर्स पे कुछ ऐसे ना बिल फाड़ो मत जो आप कर रहे हो और आपका बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, हम वही दिखा रहे हैं। और अगर तुम्हें कुछ करना भी था तो तुम गौतम को नहीं बोल सकती थी कि माइक उतार के जाए, तो माइक उतार के गई तो कहती कि नहीं गौतम तो माइक उतारता ही नहीं है। तो मतलब वो कुछ तो गड़बड़, लड़की का चक्कर वही है, लड़की का चक्कर, ठीक है। तो ये चीज़ की क्लैरिटी देते हैं कि अब तुम मेकर्स पे ब्लेम नहीं करोगे। और दूसरा जो बवाला वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि ये दिखाते हैं निमृत और शालीन, आपको याद होगा आज से 4-5 दिन पहले ही एपिसोड कटा था जब गौरी पीछे सौंदर्या को गोदी में उठा रही थी और इधर गौतम बैठा हुआ था, और शालीन और निमृत पूरा इनकी रिलेशनशिप को इनैक्ट करके दिखा रहे थे, दे वर मॉकिंग सौंदर्या। और मैंने अपने रिव्यू में भी बोला था कि गौतम शुड हैव सेड समथिंग, ठीक है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलते हो तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप उसको अप्रूव कर रहे हो। समटाइम्स यू आर ऑन अ रियलिटी शो भाई, तुमको 50 लोग देखकर 100 ओपिनियन बनाने वाले हैं। तो अगर आप वो मोहलत को यूज़ करने वाले थे सौंदर्या के फेवर में और अपने रिलेशनशिप के फेवर में, दैट वॉज द टाइम यू कुड हैव सेड समथिंग। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो कि भाई वो फन उसमें हो रहा था, फन वेव में हो रहा था, एंड दैट्स वाई ही डिड नॉट से एनी थिंग। बट भैया आप बिग बॉस 16 में हैं, आपके ऊपर इतने पर्चे फट चुके हैं, फतवा जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप गौतम विज आपकी बुद्धि नहीं खुल रही है, ठीक है। और ये वीडियो दिखा दिया गया सौंदर्य शर्मा को, और सौंदर्य जब बाहर गई है ना तो पहले तो गौतम को ऐसा लग रहा था, तो पहले मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर मैं सौंदर्य गौतम के बारे में आराम से बात करती हूँ, ठीक है। फिर सुम्बुल को तो इतनी इंसल्ट, सलमान खान कहते हैं चलो इनके बारे में तो कुछ था दिखाने के लिए, कुछ तो मुद्दा था, अब आपके बारे में मैं क्या दिखाऊँ, आप तो दिख ही नहीं रही हैं। भैया बेइज्जती, माने घड़ी बेइज्जती, इतनी ज़्यादा बेइज्जती कि एकदम मेरे को MC स्क्वायर की याद आ गई, ले ले रोम रोम छोरी ले ले रो, क्या मजा आ रहा है ना हसल टू पॉइंटों में। अच्छा सॉरी मुद्दे से भटकी लड़की। हाँ तो सुम्बुल को बोलते हैं मैं आपके बारे में कुछ नहीं दिखा सकता बिकॉज आपके बारे में कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों लड़कियां, मतलब बाहर घर वालों के हाथों में ये फैसला सौंपा जाता है, तो तीन अपने फेवरेट दोस्तों को बुलाना है, तो अर्चना बुला के प्रियंका, आई वाज लाइक हैं अभी 2 दिन पहले तो तुम लोग एक दूसरे का गला घोटने पे आए हुए थे और तुम प्रियंका को अपने दोस्त में बुला रही हो, बट एनीवेज प्रियंका आती है। सुम्बुल बुलाती है साजिद खान को, अब कहाँ गई आपकी शालीन, एनीवेज हाँ सुम्बुल बुलाती है शालीन को, और ये जो है हमारी क्या नाम है इनका अर्चना का हो गया, सौंदर्य बुलाती गौतम को इवन आफ्टर टेकिंग अ वीडियो, ऑल्दो आई कुड सी इट फ्रॉम सौंदर्या'स फेस दैट शी वाज नॉट विलिंग टू कॉल हिम, बट वो ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी क्योंकि उसका सबसे अच्छा रैपो गौतम के साथ ही है, तो उसने गौतम को बुलाया, ठीक है। अभी इनका सीन ये था कि अगर एक भी बजर नहीं दबेगा या एक बजर दबेगा तो एक बंदा इनमें से एलिमिनेट हो जाएगा, आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ ऐसा होता। और अगर तीनों के तीनों बज गए तो आप में से कोई भी नहीं जाएगा, और अगर आपने इनमें से किसी को भी बचाया तो आपके 25 लाख सीधा बोलते हैं प्राइज मनी में से डिडक्ट हो जाएंगे, जो कि इन अ वे दे वुड हैव गेस्ड कि बाद में टास्क आएंगे जिसमें आप रिकवर कर सकते हो ये वो, बट सलमान खान उसकी मौकरी करते हुए देखते हैं, इनको लग रहा है ना भैया बिग बॉस पुराना वाला चल रहा है कि 25 लाख इनको वापस मिल जाएंगे, बट वो बाद में हमें आगे पता चलेगा। तो मुझे नहीं पता जब साजिद खान ने, चलो भैया गौतम का तो बनता है सौंदर्या को बचाने के लिए या जो भी, ठीक है कि ना जाए, साजिद खान ने जब सुम्बुल को नॉमिनेट किया था एंड ही सेड इट वेरी क्लियरली कि आपको बाहर जाना चाहिए, तो आपने सुम्बुल को सेव करने के लिए क्यों बजाया, आई ये क्या था, क्यों बजाया? और वैसे भी वो लड़की ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते में कुछ उसने झंडे गाड़ लिए, वो कुछ नहीं करने वाली हैं, ठीक है। हाँ तो भैया वो जाएं अपना इमली गुठली सीरियल करें, कोई टेंशन नहीं है। हाँ तो लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों उन्होंने बजाया, फिर देखा देखी प्रियंका ने भी बजा दिया,
मैंने कहा अब समझ नहीं आ रहा, या तो इमोशनली लैक ऑफ बैलेंस था या जो भी था, बट वो इम्पल्स था. बट एनी वेज 25 लाख तो इनके उसमें से माइनस हो गए हैं. दैट्स वाई नन ऑफ द एलिमिनेशन टुक प्लेस इन टूडेज वीक एंड विच वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी. और मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि आई अंडरस्टैंड कि सुंबल की फ़ैन फॉलोइंग बाहर बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ही अच्छी फिक्शन आर्टिस्ट हैं, वो बहुत ही अच्छा कमर्शियल शो करती हैं, चैनल के लिए काम करती हैं, बट भैया ये रियलिटी शो में नहीं चल रही है ना, तो वो एक स्लॉट स्पॉइल हो रहा है ना. हो सकता है अगर वो जाएंगी तो एक कोई बढ़िया वाइल्ड कार्ड एंट्री आएगी ताकि थोड़ा मसाला थोड़ा तड़का लगेगा, बट वो हो ही नहीं पा रहा है. 2 बार से कोई एलिमिनेशन नहीं हुए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है. बट वी वॉन्ट टू सी सम वाइल्ड कार्ड एंट्रीज. मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ मुझे एक बार इस बारे में ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है इस बारे में, ठीक है, कि वाइल्ड कार्ड एंट्री को धमाकेदार देखनी चाहते हो कि नहीं. तो ये हो गया. तो बेसिकली नन ऑफ देम आर गेटिंग एलिमिनेटेड. भैया उसके बाद जो भसड़ भसड़, अरे बिल्डिंग भाई पैंथर, हाँ जो मचा दे भसड़ भसड़ चल रही है, सौंदर्य जो फटती है आकर, एंड आई टोटली अग्री विद हर, उसको तो फटना ही था. भैया इतनी एम्बैरेसमेंट, वो लड़की पूरे घर वालों से झगड़ा करके सब कुछ करके गौतम के लिए खड़ी होती है और उसको ऐसा वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पे गौतम इज़ नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर. किसको गुस्सा नहीं आएगा. भैया वो लड़की बहुत रोई, मुझे उसके ऊपर दया भी आ रही थी थोड़ी सी. मैंने कहा यार ये इतना रो रही है, कहती गौतम वाई, गौतम क्यों नहीं बोले तुम, यू गिविंग देम अप्रूवल, यू गिविंग देम दिस, यू गिविंग देम दैट. बहुत रोई है मतलब. और गौतम, मैंने तो कुछ नहीं बोला ना, तो बोलती है तुम क्या बोलोगे, तुम तो मेरे साथ ही हो तो तुम क्या बोलोगे, बट इफ़ यू आर साइलेंट एंड इफ यू आर स्माइलिंग एट somebody हु इज मेकिंग फन ऑफ मी एंड आवर रिलेशनशिप एंड यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, इट विल बी टेकन एज अ अप्रूवल, इट्स अ रियलिटी शो. वो कह भी रही है मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो रही है इन सब चीज़ों में, परेशान हो गई हूँ मैं, पगला गई हूँ. बट ऑब्वियसली बात है, क्लियर था कि भैया फिर से राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, एक हो जाएंगे. और बाद में वो सौंदर्य शर्मा उनको हक करते हुए दिखती हैं, वो अपोलोजाइज ही करता रहता है गौतम पूरे टाइम. भैया गौतम का गेम हो गया बहुत ज्यादा खराब, ठीक है. अभी इनको बहुत ही तगड़ा मतलब जो डैमेज हुआ, डैमेज कंट्रोल इनको आने वाले हफ्तों में करना है, वरना ये इंडिसिसिव, नॉट अ ग्रेट बॉयफ्रेंड, नॉट अ ग्रेट फ्रेंड, ऐसी वाली सारी इमेज इनकी बाहर आ रही है, ठीक है. हमें आज ना वीकेंड का वार में एक ऐसी चीज देखने को मिलती है कि जैसे कि मैं क्या बताऊं, एमसी स्टैन और जो गौरी जो खुचुर पुचुर करते हैं, बहुत ही क्लियर किया सलमान खान ने कि गौरी चला रही है एमसी स्टैन को, क्योंकि एमसी स्टैन को जब प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो गौरी उनको चीज़ें बता बता के एक तरीके से उनको शिव और साजिद वाले ग्रुप से क्या बोलते हैं उसको, डिसोसिएट मतलब अनएसोसिएट, मतलब उसकी एसोसिएशन में इफेक्ट डाल रही हैं, ठीक है. और ये बात का खुलासा करते हुए दिख जाते हैं सलमान खान और शिव और साजिद काफ़ी ऐसे स्ट्रांगली नॉड करते हैं कि चल क्या रहा है. एंड देन काइंड ऑफ अर्चना एंड गौरी स्वॉप्स प्लेसेस बिकॉज गौरी सीम्स टू हैव अ ग्रेट रेपो विद सौंदर्या. शी इज़ नॉट वर्किंग इन एनीबडीज कैप्टेंसी बट शी क्लियरली सेज कि मैं सौंदर्या की कैप्टेंसी में काम करूंगी. बट मुझे ये ठीक है, अच्छी बात है, यू हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद सौंदर्या, बट आपको सबके साथ कहीं ना कहीं एफिलिएशंस बना के चलने हैं, बिकॉज जब टास्क आएंगे, जब एक कोई बढ़िया ग्रुप टास्क आएगा तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. तो आप केवल अगर किसी और की कैप्टेंसी में काम नहीं कर रहे हो तो आपकी कैप्टेंसी में कोई काम क्यों करेगा. तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सिर्फ सौंदर्य आपकी कैप्टेंसी में काम करेगी, या तो आप इतने दूर का सोच नहीं रहे कि आपको कैप्टन बनना ही नहीं है, ऐसे टाइप का आपका दिमाग में कुछ चल रहा है, तो वन ऑफ द अबव हो सकता है इसमें से. तो गौरी को डीकोड करते हुए दिखते हैं सलमान खान, एमसी स्टैन को डीकोड करते हुए दिखते हैं. और उसके बाद जो है, मतलब यार आज भी टीना और शालीन के फेक रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं हुई, जबकि जो कि इतना ज़्यादा क्लियर दिखता है, मुझे वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ठीक है. उसके बाद ये दिखाया जाता है कि प्रियंका मतलब साजिद खान से बात करते हुए दिखती हैं कि आपने क्यों बजा दिया बजर, आप तो सुंबल को नॉमिनेट ही करे थे, आपने किस चक्कर में बजा दिया ये वो. अब मतलब काइंड यार प्रियंका ना, मैं जैसे बोलती हूँ हर रिव्यू में अपने, थोड़ा सा ना ऑफ ट्रैक चली जाती है. अब वो उसको हर चीज़ में बवाला चाहिए. एक तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि वही सुनाई देती है, अगला जो उससे लड़ रहा है वो सुनाई नहीं देता है. तो शिव कूद पड़ते हैं इस मुद्दे में साजिद खान को डिफेंड करते हुए कि भाई ऐसा है कि आपने भी तो बजर दबाया,
तो अगर कोई से वो उनका मर्जी है कि वो सुंबल को सेव करना चाहते थे, आप किसी एक बंदे पे तो ब्लेम नहीं कर सकते. तो या तो तीनों गलत है या तो तीनों सही है. तो वो शट अप चिल्लाती है शिव को. तो शिव तो हाइपर, शिव भी पहली बार मैंने शिव को थोड़ा सा टेम्पर लूज करते हुए देखा. वैसे तो बड़ा बैलेंस्ड आदमी है वो, कि तू शट अप, अपना जो पोपट लेकर आई है पोपट लेकर आई, पोपट पोपट, मतलब काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है. बट मैं एक चीज़ बता दूँ जो कि इस समय ट्विटर पर बहुत ही बवाला चल रहा है प्रियंका और शिव के फैन क्लब के बीच में, ये दोनों हो जाएंगे एक बिकॉज दे रियली रिस्पेक्ट ईच अदर एज अ कंटेस्टेंट. तो आप लोग ज़्यादा भसूड़ी मत करो, ठीक है बेटा, शांति रखो, ये होता है. बट मुझे ऐसा बहुत ही स्ट्रांगली लगता है कि यार एक बंदे को ही बजाना चाहिए था ताकि ये सुंबल जाती. मुझे ऐसा लगता है कि सुंबल जाती. अर्चना इस बात को कहते हुए दिखती भी है व्हेन शी इज ट्राइंग टू कंसोल सौंदर्या, कि यार गौतम को बोलती भी कि यार तुमको 25 लाख कुछ मायने नहीं लगते. गौतम अलग ही टैंजेंट पे, वो तो मेरी प्राइज मनी से जा रहा है ना. तो कहती कौन सी तुम्हारी प्राइज मनी, तुम विनर हो क्या? कहता मेरे लिए मैटर नहीं करता. तो बोलती भैया तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता. उसके अंदर की वसूल देवी निकल आती है. हाँ, कहती हमारे लिए तो 25 लाख बहुत मैटर करता है भाई, तुम्हारे लिए तुम नहीं बजा, तुम एक कोई बजा देता तो ये सुंबुल निकल लेती. फालतू में तुम लोगों ने 25 लाख कटवा दिए. पता नहीं बिग बॉस वापस देंगे कि नहीं देंगे भैया, क्योंकि इस बार बिग बॉस बहुत डिफरेंट चल रहे हैं. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ना ही दें या पता नहीं क्या चलें. और माई ग्लैम में भैया प्रियंका सबसे आगे चल रही है. यार वो लड़की बहुत अच्छी स्टाइलिंग करती है. आई रियली लव हर स्टाइल एंड द वे शी conducts her makeup and everything. She looks stunning and she's very well maintained as well. Very fit she comes across. तो वो काफ़ी अच्छी लगती है. तो माई ग्लैम वाले भी उसको काफ़ी ज़्यादा shout outs दे रहे हैं because they are one of the major sponsors of Big Boss 16. And अगर कोई styling के मामले में प्रियंका चौधरी, ठीक है. तो ये जो शिव और प्रियंका की हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है उसमें अंकित भी कूद पड़ते हैं एंड काइंड ऑफ डिफेंस प्रियंका एंड ऑल दैट. अंकित खेल रहा है लड़का, आप कूद रहा है लड़का, बढ़िया मजा आ रहा है अंकित को भी देखने में, ठीक है. तो ये इक्वेशन है. अरे भैया कल का जो टीजर दिखाया, अब्दू इज गेटिंग एंग्री एट अर्चना, बिकॉज अभी अर्चना को बोल दिया गया ना कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो अभी वो गलती करेगी. वो एंटरटेनिंग रहती है ना, वो ठीक रहती है. मतलब फालतू के मुद्दे में कूदती है तो वो बहुत इरिटेटिंग कम अक्रॉस होती है. तो अब्दू वो परेशान कर रही है. अब्दू उसको कह रहा है आई विल पुट यू इन अ जेल और देन शी इज ट्राइंग टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद हिम. ऑब्वियसली कंटेंट जिंदाबाद, कंटेंट के लिए हो रहा है. कंटेंट से याद आया, तुम लोग जरा मेरे ट्रैवल कंटेंट को भी देख लो. मैंने अभी रिसेंटली सनी ने डाला है ट्यूनिशिया का व्लॉग मेरे चैनल पर, वो देख लो. मेरा दिवाली व्लॉग देख लो. कल परसों तक ऐसा तगड़ा बीच का वीडियो आने वाला है, आप लोगों को मजे आ जाएंगे. प्लीज़ यार लड़की को सपोर्ट करोगे तो अच्छा लगेगा. लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक कर दो. अगर लाइक नहीं किया है अभी तक, शेयर कर दो. जो जिसकी जिसकी मम्मियाँ सब बिग बॉस देखती है, प्लीज़ शेयर कर दो, प्लीज़ देख लो. एंड चैनल्स नेम इज़ गो गजल गॉन. आज के रिव्यू के लिए पूरा इतना ही. मेन मेन मुद्दे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं. अब तो बोला बोल के निमृत ने जो ठंडे पानी में दोनों का मुंह डिबोया, बेचारा गौतम का तो सारा एकदम लाल हो गया था बेचारा लड़का पानी वाले टास्क के बाद. बट वो कम्प्लीटली बायस टास्क लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा वो टास्क, इसलिए मैंने उसके बारे में बात ही नहीं करी. फजूल टास्क था बिल्कुल ही, ठीक है. तो जानवी कपूर वॉज लुकिंग वेरी स्टनिंग, शी लुक्ड ब्यूटिफुल. एंड ये सब चल रहा है बेसिकली. अभी मज़ा आएगा अब्दू की कैप्टनसी देखने में नेक्स्ट वीक, और हम जल्दी से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में. तब तक के लिए नमस्कार, गो गजल गो इन बिग बॉस.